सवाई जाले आ जाते चल ना पुढे सर ना चल ना आईरिया ए ए हमारी गाय को जो लंपी हो गया था दोस्त, तो वो अभी ठीक होती जा रही है आपकी दुआ से, आपका प्यार और हमारी जो काऊ है वो ठीक होती जा रही है। देख देख उसके उसके आँखों में से अभी पानी आ रहा है ना पानी। चलो उसको दो उधर ये करें तो उसको तो बारह बज गए उसको धूप में छोड़ दे। उसको अभी छाव में लेके जाते हैं, बहुत धूप हो गई है। देखो अपने आप जा रही है। रस्सी पकड़, रस्सी पानी पी लो, ताकत आ गई उसको, उसमें ताकत आती है आ रही है। खींचो पहले से जोर से खींचो, उधर जाएगी घास में। चल अब हाथ में तेरे को घास, चल आ जा इधर, इधर है ना खाने को तेरे, चल खींच लो खींच लो खींच लो। बंदो दूर से इधर जल्दी जल्दी ले लो पट्टी जल्दी, क्योंकि वो खींचेगी तेरे को। हाँ 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 अभी बांध, अरे थोड़ा नज़दीक बांध, बांधने में जगह बांधते ना वो बांध, हमेशा जगह बांध रही थी बांधने की जगह है ना रस्सी की, ये वो बाजू मत ले लो वापिस। हाँ उधर ही डालो, उधर ही डालो, डालो उसको भूसा। हाँ बीच चलो, हमारी लंपी से पीड़ित जो गाय थी वो सुधर गई, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि गाय का हमारा सुधर गई। लेकिन उसको थोड़ा मेरे ख्याल से आग में पानी जब आता है ना तो उसको बुखार रहता है उसका, सीधा सीधा मतलब ऐसा है, तो बुखार जाना चाहिए उसका सिर पर, हर दिन थोड़ा पानी आता है लेकिन उसको बुखार, देख लो उसको ज़्यादा चंचलता नहीं उसमें, बहुत ढीली लग रही है ना अभी, लेकिन सुधर जा रही वो अच्छा है। अभी भूसा शाम को दे दो याद करके, सुबह दिया था रोज देते हैं वो डेरी रहे, तो बहुत कितना फास्ट ही करती थी सब जगह पर उसको फुंसी आ रही, फुंसी आई थी वो काली काली बन गई वो कम हो अंदर आई सुधर गई वो, बहुत बड़ी बात है। जय जवान जय किसान, लाइक करे शेयर करे, हमारे गाय देख के अभी लंपी से ठीक हो रही है, आप शेयर करिए हमारा ये वीडियो, फिर टाइम से हमने उसको देखा इसलिए हम ठीक हो गए जल्दी नजदीक नहीं ठीक से ध्यान रहेगा तो बराबर होते सब तो वो
बहुत जल्द आपको पता चलेगा आपने गाय को, तो आप जल्दी डॉक्टर को बुलाइए और ट्रीटमेंट चालू करिए। वैसे हमने भी किया था इसको, हमारा अभी तक 4000 रुपये हमने खर्चा किया गाय को तुरंत, क्योंकि गाय भी ठीक होना चाहिए। ऐसा ही वो अभी प्रेग्नेंट भी है 5 महीने का, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे मिलते अगले वीडियो में, राम कुशारी।